जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टॉक यात्रा विदिप साल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम एशियन पेंट्स के क्वार्टर फोर के रिजल्ट का यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि एशियन पेंट्स के अगर यहाँ पर बातें करें तो यहाँ पे इनका जो रिजल्ट है वो कैसे भी हमको देखने को मिले, यहाँ पर हमको इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके ही चलने वाले हैं। क्योंकि इस कंपनी की अगर यहाँ पर बात करें तो ये एक लार्ज कैप की कंपनी यहाँ पर हमको देखने को मिलती है। एंड उसी के साथ साथ अगर इस कंपनी की बैकग्राउंड देखा जाए तो बहुत काफ़ी पुरानी कंपनी भी हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। एंड लगातार ये कंपनी वहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस भी यहाँ पे करते हुए हमको देखने को मिल रही है। उसी के साथ साथ रिटर्न्स भी इस कंपनी ने बहुत ही शानदार यहाँ पे अपने शेयर होल्डर्स को दिया है। उसी के साथ साथ अगर इस कंपनी के फंडामेंटल्स की भी बात करो तो भी यहाँ पे हम इनका फंडामेंटल्स हमको स्ट्रांग देखने को मिलते हैं। तो इस कंपनी की अगर बात करें तो अगर एक का रिजल्ट अगर खराब भी हो जाए तो भी हम वहाँ पे इग्नोर करके चल सकते हैं, क्योंकि इस कंपनी की बात करो तो ये बहुत ही शानदार हमको कंपनी देखने को मिलती है। एंड ऐसा बड़े इन्वेस्टर भी यहाँ पे करते हुए हमको देखने को मिलते हैं। एंड यहाँ पे हम भी इसी चीज़ को अप्लाई करने वाले हैं। एंड वहीं पे अगर इनका रिजल्ट अच्छा आया तो वहाँ पे हम आराम से तब भी होल्ड करके ही चलने वाले हैं। तो चलिए अब सीधा चलते हैं हम इनके रिजल्ट के ऊपर। सो यहाँ पर हम सीधा इनके रिजल्ट के ऊपर आ गए हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि हमारी जो कंपनी एशियन पेंट्स है वो यहाँ पर हमको फाइनल डिविडेंड भी देते हुए देखने को मिल रही है, जो कि 14.5 रुपये का डिविडेंड हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब हम चलते हैं इनके क्वार्टर फोर के रिजल्ट के ऊपर। सो यहाँ पर हम रिजल्ट पे ही चल रहे हैं दोस्तों, एक मिनट। सो यहाँ पर हम रिजल्ट पर आ गए हैं। एंड एक बार मैं इसको फिट कर लेता हूँ तब यहाँ पे हम आगे की चीज़ें कवर करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस लाइन में आपको जो भी चीज़ें देखने को मिलेंगी वो इस बार के रिजल्ट होंगे। एंड यहाँ पर जो डाटा देखने को मिलेगा वो दिसंबर 20 का, एंड यहाँ पे लास्ट ईयर 20 का डाटा आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। उसी के साथ साथ यहाँ पे जो भी बातें होंगी वो रुपीस इन करोड़्स में यहाँ पे होने वाली है। तो सबसे पहले हम अगर टोटल इनकम की अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टोटल इनकम है वो इस बार 5769 यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है। 5769 यहाँ पर हमको इस बार देखने को मिल रहा है, जबकि लास्ट क्वार्टर की बात करें तो 5994 एंड लास्ट ईयर की बातें करें 3944। तो ईयरली बेस पे जो इनकम है वो तो बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, लेकिन क्वार्टर बेस की अगर बात करें तो हमको घटते हुए देखने को मिल रहा है। उसी के साथ साथ अगर एक्सपेंसेस की भी बातें करें तो एक्सपेंसेस भी आप देख सकते हैं कि 4665 यहाँ पर एक्सपेंस होते हुए इस बार हमको देखने को मिल रहा है। एंड उसी के साथ साथ लास्ट क्वार्टर की बात करें तो 4404 यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, जबकि लास्ट ईयर की बातें करें तो 3294 यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। सो एक्सपेंसेस भी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि क्वार्टर बेस एंड ईयरली बेस दोनों ही बेस पे जो एक्सपेंसेस है वो हमको बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। उसी के साथ साथ प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स की यहाँ पर अगर हम बातें करें तो आप देख सकते हैं कि इस बार का जो प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम है वो 1103 यहाँ पे हमको देखने को मिल रही है। उसी के साथ साथ लास्ट क्वार्टर की बात करें तो 1589, लास्ट ईयर की बात करें तो 650 के आसपास हमको देखने को मिल रही है। सो यहाँ पर आपको साफ साफ देखने को मिल रहा है कि हमारे जो कंपनी का इस बार का जो प्रॉफिट है वो लास्ट ईयर की अपेक्षा अगर तुलना करें तो हमको अधिक देखने को मिल रही है। एंड वहीं पे लास्ट क्वार्टर से तुलना करें तो हमको कम देखने को मिल रही है। सो इतना ही हम देखने के बाद हम कह सकते हैं कि कंपनी का जो रिजल्ट है वो हमको ठीक ही देखने को मिल रहा है। बहुत ही शानदार तो नहीं देखने को मिला, लेकिन हाँ हम कह सकते हैं कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के हिसाब से ये बहुत ही शानदार हमको यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिल रही है, लेकिन क्वार्टर बेस में हमको गिरावट देखने को मिल रही है। एंड उसके बाद आप देखें तो एक्सेप्शनल आइटम यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, जो कि लास्ट ईयर आपको देखने को मिल रहा था 33.20 का। तो ओवरऑल अगर हम प्रॉफिट फॉर द पीरियड की अगर यहाँ पर बातें करें तो आप देख सकते हैं कि इस बार जो प्रॉफिट हुआ है वो 819 यहाँ पे हमको होते हुए देखने को मिल रही है। एंड जबकि लास्ट क्वार्टर की बातें करें तो 1187 आपको देखने को मिल रहा है, जबकि लास्ट ईयर की बातें करें तो 452। तो हम कह सकते हैं कि जो ईयर और ईयर बेस की अगर बातें करें तो हम कह सकते हैं कि लगभग हम 40-50% की लगभग हमको बढ़ोतरी यहाँ पे प्रॉफिट में होते हुए देखने को मिल रही है, जबकि क्वार्टर बेस की अगर बात करें तो हम कह सकते हैं कि गिरावट भी यहाँ पे हमको देखने को मिल रही है। सो ओवरऑल कंक्लूजन यही निकल रहा है कि इस रिजल्ट का कि इनका जो रिजल्ट है हमको ठीक देखने को मिल रहा है। एंड अर्निंग पर शेयर्स की अगर यहाँ पर हम बातें करें तो आप देख सकते हैं कि 8.54 आपको देखने को मिल रहा है, जबकि लास्ट क्वार्टर 12.38, जबकि लास्ट ईयर 4.71 आपको देखने को मिल रहा है। तो सेम प्रॉफिट के हिसाब से
आपको यहाँ पे अर्निंग पर शेयर भी देखने को मिल रही है। सो दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि ये एशियन पेंट्स की अगर बातें करो तो एक बड़ी कंपनी हमको देखने को मिली है, एंड यहाँ पे रिजल्ट की अगर बातें करो तो रिजल्ट भी हमको शानदार ही देखने को मिल रही है। ईयर ऑन ईयर बेस पे अच्छी खासी प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ते हुए हमको देखने को मिल रही है। उसी के साथ साथ तो मैंने आपको बाकी सभी चीज़ें आपको शुरू में ही बताई कि इस अगर यहाँ पे इनका रिजल्ट अगर हमको ठीक नहीं भी देखने को मिला तो भी हम इस कंपनी को यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते, लेकिन यहाँ पे तो रिजल्ट हमको ठीक ही देखने को मिले तो आराम से इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके यहाँ पे हम चल सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर अर्निंग कॉल्स की यहाँ पर अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि जो एस्टिमेट यहाँ पे लगाई गई थी वो यहाँ पे बीट होते हुए हमको देखने को मिले, जो कि 4% से यहाँ पे बीट होते हुए हमको देखने को मिले, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। एस्टिमेट अर्निंग कॉल्स का मतलब दोस्तों ये है कि इस कंपनी से जो उम्मीद लगाई गई थी कि इनका जो रिजल्ट है हमको मतलब जो प्रॉफिट है हम कह सकते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पर हम मान सकते हैं कि 1000 करोड़ का इनको प्रॉफिट होना था, लेकिन यहाँ पर हमारी जो कंपनी है वो 1000 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट लेकर आए, तो यहीं पे इसको बोलते हैं कि एस्टिमेट बीट यहां पे इन्होंने कर दिया, एंड यहां पे हमने जो उम्मीद लगाई थी उसको बीट करते हुए हमको ये कंपनी देखने को मिलती है, जो कि एक अच्छी साइन होती है। ओवरऑल हमारी कंपनी का परफॉर्मेंस तो हमको अच्छा ही देखने को मिल रहा है। तो ये तो हो गई दोस्तों यहां पे रिजल्ट से रिलेटेड सभी बातें। अब आ जाते हैं इस कंपनी से रिटर्न से रिलेटेड बातें। तो जैसे कि हम यहां पर देख सकते हैं कि इस कंपनी का यहां पर आप अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पे इस कंपनी को देखिए एक शानदार यहाँ पे ऊपर की ओर जाती ही देखने को मिले, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। एंड यहाँ पे रिटर्न्स की भी बात करें तो करीब 20,000% का रिटर्न्स ये कंपनी आपको यहाँ पे 26 साल में दे चुकी है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। सो इस कंपनी की बात करें एशियन पेंट्स की तो ये अपने सेक्टर्स की नंबर वन कंपनी देखने को मिलती है, एंड बाकी इनके अलावा अगर जितने भी कंपनी आपको देखने को मिलेंगी वो इनके नीचे हमको आते हुए देखने को मिल जाती हैं। एंड अगर आज के डिलीवरीज की यहाँ पर अगर हम बातें करें तो आप देख सकते हैं कि आज इनका डिलीवरीज जो है 24% के आसपास यहाँ पे हमको देखने को मिल रही है। सो ओवरऑल हम इस कंपनी से रिलेटेड यही कह सकते हैं कि ये एक बहुत ही शानदार कंपनी हमको देखने को मिलती है। यहाँ पे रिजल्ट भी इनका शानदार हमको देखने को मिल गया है, एंड बाकी सभी चीज़ें मैंने आपको शुरू में ही बताई दोस्तों। सो इस कंपनी को अगर चाहें तो लॉन्ग टर्म के लिए आप इस कंपनी को होल्ड करके यहाँ पे चल सकते हैं, एंड अगर फ्रेश बाय करने की चाहें तो दोस्तों वो आपकी मर्जी, आप किसी भी लेवल पर इस कंपनी को फ्रेश बाय के यहां पे चल भी सकते हैं। सो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।